रात कली एक ख्वाब में आई और गले कहा। हिंदी सिनेमा में चढ़ते सूरज को सलाम करने और डूबते सूरज से किनारा कर लेने वाले किसे जब सुनाए जाते हैं तो उनमें अभिनेता नवीन निश्वल का नाम खास तौर से लिया जाता है। दोनों मिलके कागज पे दिल पे चिट्ठी लिखे। एक जमाना था जब नवीन निश्वल ने फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन के साथ एक फ्रेम में खड़े होने से इनकार कर दिया था। फिर गुर्बत के ऐसे भी दिन आए जब काम पाने के लिए उन्होंने उन्हीं अमिताभ बच्चन की मदद ली और फिल्म देश प्रेमी में उनके साथी कलाकार के तौर पर काम किया। जा जल्दी भाग जा नहीं बाबा नहीं बोलता हूँ भाग जा नहीं बाबा नहीं अरे जा जल्दी भाग। लेकिन कई बार कुछ ऐसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है। नवीन की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहाँ वो एक तरफ अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल ना कर सके वही निजी जिंदगी में भी बुरे दौर देखने को मिले। नवीन निश्वल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अभिनेत्री रेखा के साथ सावन भातो से की थी। उनकी पहली ही फिल्म हिट रही और उनको सफलता मिलने लगी। दिल अपना किसी को तो दो दी हम क्या बुरे हैं लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सावन भातो करने के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और वह लोगों के दिलों पर राज करने लगे। स्कूल की किताबें तो मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा लेकिन उसके साथ साथ आप भी उन्हें इंसानियत का सबक सिखाते रहिए। उन्होंने बुड्ढा मिल गया, विक्टोरिया नंबर 2 से 3, धर्मा, ओ मैं नहीं, परवाना, हंसते जख्म जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का जादू चलाया। एक सूरत भला सा एक नाम धड़कन है मेरे दिल की। नवीन ने अपने समय के हर बड़े अभिनेत्री के साथ काम किया था लेकिन उनका जादू कुछ समय बाद ही कम होने लगा। इसकी वजह थी उनका अपने साथी कलाकारों के साथ ठीक से बर्ताव न करना, निर्माता निर्देशक की सलाह न मानना और सेट पर नखरे करना। इसी कारण लोग उन्हें नापसंद भी करने लगे थे। यही वजह रही थी कि नवीन को फिल्में कम मिलने लगी। मौसम महका महका है दिल बहका बहका जाए ए बादल। नवीन निश्वल ने देव आनंद की नातिन नीली कपूर से शादी की थी। दोनों की दो बेटियां नताशा और नोबिता है। वही शादीशुदा होते हुए भी नवीन का अफेयर एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला के साथ था। कहते हैं कि इसी वजह से नवीन और नीतू के बीच तलाक हो गया था। कुछ समय बाद पद्मिनी के साथ भी नवीन का ब्रेकअप हो गया। वक्त के साथ नवीन की जिंदगी शराब में डूबने लगी और 1996 में उन्होंने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। 2006 में गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने नवीन पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। इसी आधार पर नवीन को जेल तक जाना पड़ा। हालांकि वो जमानत पर बाहर आ गए थे। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला। आखिरी बार वह फिल्म घोसला का घोसला में नजर आए थे। उन्होंने देख भाई देख, आशीर्वाद और फरमान जैसे कई टीवी शो में भी काम किया था। प्यार को क्या समझे तू थोड़ा चलाने वाला। वही 19 मार्च 2011 को जब वह पुणे अपने दोस्त के साथ होली मनाने जा रहे थे तो बीच रास्ते में उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वह हमेशा से यह कहते आए थे कि वह क्लीन और पेनलेस डेट चाहते हैं और कुछ हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, आपको नवीन निश्चल के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।